विजय जी, आज मुख्यमंत्री अलीगढ़ में आए हैं, कासिमपुर में परियोजना का शिलान्यास किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? वो परियोजना हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव साहब की योजना थी। ये लोग तो खाली उद्घाटन कर रहे हैं। ये सारे काम जितने भी विकास हुए आज से 5 साल पहले, सब वो विकास है जो अखिलेश यादव साहब के ज़माने की करे हुए हैं। और जितने भी विकास घोड़े चल रहा है वो सब अखिलेश यादव साहब का है। इनके यहाँ तो कोई विकास नाम का बेटा पैदा ही नहीं हुआ आज तक, कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ इनके यहाँ विकास नाम का बच्चा। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ, इनके पास तो कोई योजना नहीं है। हिंदू मुस्लिम और मतलब मंदिर मस्जिद, और इनको तो सिर्फ और सिर्फ भाई से भाई को लड़ाने के अलावा इनके पास कोई योजना नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये योजना का उद्घाटन करते हुए आप देख लें, इस योजना का, इसी कासिमपुर वाली कासिमपुर हाउस की योजना का उद्घाटन माननीय अखिलेश यादव साहब, शैलेंद्र यादव साहब और वसीम साहब, ये तीनों चार लोग खड़े हुए और शिलान्यास हमने किया है, हम लोगों ने किया है। भाजपा का कोई इसमें लेन देन नहीं है। भाजपा तो दूसरों की संतान को अपनी संतान बनाकर खाली माल मिलाई और हलवा पराठा खा रही, इसके अलावा कुछ नहीं। अब दूसरे की संतान को, ये विकास नाम का जो बेटा है वो अखिलेश यादव साहब का है। इनके यहाँ तो कोई आज तक बच्चा विकास नाम का पैदा हुआ ही नहीं, तो ये अपने दूसरे की संतान को अपनी संतान बना के ये काम कर रहे हैं। जैसे कि मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आने वाले 22 में आप देखिएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव साहब बहुत सी गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आ रही हैं कि आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो जैसे जिस भरोसे से उनका समर्थन कर रही है, इंशाल्लाह उस पर खड़े उतरेंगे। और गरीबों के लिए बहुत योजनाएं, ऐसी योजना लेके आ रहे हैं, साइकिल बटेगी, लैपटॉप बटेंगे, मकान बटेंगे, बंटवारा नहीं करेंगे। ये लोग बंटवारा करते हैं, ये बांटते हैं हिंदू मुसलमान को, सिख ईसाई को बांटते हैं। हमारे माननीय अखिलेश यादव साहब बांटते हैं मोहब्बत, बांटते हैं साइकिल, बांटते हैं लैपटॉप। वो किसी दूसरे को बेटे को अपना बेटा नहीं कहते, वो अपने बेटे को अपना ही बेटा कहते हैं। जो उनको विकास करा हुआ है वो, ये विकास हमारा है, इनका नहीं था। ये तो खमखा यहाँ पर बाबा लूटने के लिए आए थे, क्योंकि घबरा चुके हैं, जनता ने इनको नकार दिया है।